चेक करो भाई, तीन तीन जने लग रहे हैं यार बर्नआउट में। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, हर बार की तरह फिर से आ गए हम सिग्नेचर ब्रिज, और आज की राइड ऐसी है कि मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ। आज का आप पूरा ब्लॉग देखो, उसमें पता करो कि राइड हमारी कहाँ की है। और वैसे कि आप थंबनेल देख के समझ जाओगे कि भाई राइड आज हमारी कहाँ की लगी हुई है। तो गाइस, हर बार की तरह मैं आपको दिखा देता हूँ, पहले थोड़ा सा अपना लाइनअप चेक करा देता हूँ कि कौन कौन सी बाइक अभी हमारे आ गई हैं, कितने राइडर्स हमारे पास आ गए हैं। तो गाइस, सारे राइडर्स हो गए रेडी, और अभी दो तीन राइडर आगे चले गए हैं, कुछ राइडर्स ये खड़े हुए हैं। तो गाइस, आ गए अभी पेट्रोल पंप पे, और अब हर बार की तरह करा रहे हैं टैंक फुल। तो क्योंकि आज थोड़ी लॉन्ग राइड होने वाली है भाई, लगभग 130 किलोमीटर की राइड है हमारी। तो भाई राइड में ना बहुत मज़ा आने वाला, सब लोग टैंक फुल करा रहे हैं भाई, सब लोग टैंक फुल करा रहे हैं, बड़ा मज़ा आने वाला है आज की राइड में। आज ऐसी जगह जा रहे हैं ना कि आप लोग देखोगे तो भाई अलग ही लेवल का मजा आएगा। गाइस थोड़ा चेक करो, सोम भाई हमारे थोड़ा सा ज्ञान दे रहे हैं। अभी एक राइडर रह गया हमारा पीछे, तो भाई वो आ रहा है, उसके लिए वेट कर रहे हैं। अभी दो तीन मिनट में आ जाएगा, फिर उसके बाद निकलते हैं भाई। चेक कर लो भाई थोड़ा सा लाइनअप, निकलते हैं भाई। आपसे बहुत बाइक्स हो गई हैं भाई। भाई देखो, मैं खुजली दिखाता हूँ कितनी बड़ी है। देखो खुजली, देखो ये देखो 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 भाई भाई, कैसा लग रहा है ना, जैसे पहले पहाड़ों के बीच में कर रहे हैं भाई। देखो भाई, तभी रुके हैं बीच रास्ते में, और भाई तो थोड़ा सा पहाड़ देखे, सोचा भाई दिखा दूँ। भाई अभी सूती तो भागे भाई के, भाई के भाई देखो, फाइनली हम लोकेशन पर पहुंचने वाले हैं भाई। भाई पहाड़ देखो, पहाड़ ओह माय गॉड, भाई व्यू चेक करो भाई, ये
साहब भाई साहब भाई साहब है भैया वाटरफॉल आगे है कुछ है आगे वाटरफॉल है आगे वाटरफॉल तो इधर है यहाँ आगे अरे यार गाइस आगे हो रही है बहुत ज़्यादा कीचड़ और आगे जाने का बिल्कुल रास्ता नहीं आगे कुछ है नहीं तो पीछे जा रहे वापस तो भाई एक भाई जा रहे थे इनकी बाइक भाई पूरी कीचड़ में गिर गई भाई पूरे सन के देखो यार अरे उधर चलते ना सुमन भाई चलते ना यार जब आए तो चलेंगे भाई कोई बात नहीं चलो ठीक है भैया मेरी बात सुनो शुभम भाई चल ले अरे नहीं भाई वाटरफॉल देख के जाएंगे भाई जब आए तो भाई ये दुग्गी टपक गई भाई दुग्गी टपक गई भाई दुग्गी टपक गई दोबारा फिर दुग्गी टपकेगी रुक जाओ मिल गया मुझे तो अरे बैठे उसने पूरे कंटेंट की ऐसे ही मार दिया उसने कौन बना रहा था वीडियो मेरी बताओ पहले तो शुभम भाई की वीडियो शॉर्ट पर मेरे पास गाइस तो कुछ ज्यादा हाल खराब है भाई गाइस ये कीचड़ है भाई अरे ऐसे निकालो ऐसे निकालो बहुत ज्यादा कीचड़ है गाइस इतनी ऑफ रोडिंग भाई बाइक की बाइक बाइक फंस गई इसमें तो गाइस इधर क्या किया भाई ये BMW बाइक है भाई ये तो वालों लग गया अभी कीचड़ में तो भाई मैं भी अपनी बुलेट लेके था लेकिन भाई मैं तो बच गया ठीक है चलते हैं बुलेट लेके आगे अब हमारी बारी है भाई कपड़ा लगा दूँ देखते हैं क्या बनता है आगे ये देखो वैन से बच गया ब्लॉग में डाल दे भैया अरे ब्लॉग आएगा टेंशन मत लो वो इसकी बहन की ओ आराम से चरण भाई फोन गिर जाएगा तुम्हारा गाइस आज का एक्सपीरियंस इतना गंदा रहा है ना भाई आए थे यहाँ पे वाटरफॉल देखने पहाड़ देखने भाई एक तो इतनी कीचड़ हो रखी है इतनी ऑफ रोडिंग है बहुत अच्छे भी ज़्यादा और अंदर भाई बिल्कुल भी नहीं जा पाए हम लोग सारे राइडर लौट के वापस आ गए भाई पूरी ब्लड की हालत देखो यार भाई पैर बैठ देखो भाई कैसे होती है भाई एक तो BMW वाला अपनी बंदी को लेकर भाई वहाँ कीचड़ में गिर गया पूरे तबके भाई उन लोगों को निकालना पड़ा देखो भाई कोई नहीं अब देखते हैं आगे क्या होता है पहले लोगों ने ब्रेकफास्ट वगैरह करते हैं ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर देखते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना नहीं तो फिर अपने भाई निकल देना सीधा घर क्योंकि यार बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है और देखो जैसे कि हर ब्लॉग की तरह भाई हमारे इमरान भाई के बहुत ही खुजली थोड़ी सी तो भाई बंदा अपनी खुजली मिटाएगा ये देखो थोड़ी सी खुजली देखते हैं कुछ नहीं चलते हैं मिलते हैं फिर आगे देखते हैं काम करते हैं आज का तो कोई विज़न ही नहीं रहा भाई हमारा गाइस तो एक फाइनली हमें एक ढाबा मिल गया यहाँ पे मनवीर फूड कोर्ट यहाँ वाटरफॉल तो थोड़ा सा पहले पड़ता है हाईवे पे तो बाइक्स वगैरह सब अपनी पार्क कर दी और पार्क करने के बाद भाई अब चलते हैं आगे थोड़ा अंदर चलते हैं अंदर का व्यू देखते हैं कैसा है क्या है गाइस थोड़ा चेक कर लो भाई लाइनअप उससे निकलती नहीं वो बाइक उससे निकलती नहीं उनका खड़े हो जाता ना तब भी नहीं निकलती उससे वो बाइक फोटो के अंदर में वो लगे हुए थे गाइस बाइक खड़ी कर दी है वेट करते हैं भाई क्या क्या है यहाँ पे भाई एक छोटा सा हट बनाया हुआ है यहाँ पे इसके अंदर बैठ कर ब्रेकफास्ट कर सकते हैं ये इनका छोटा सा यहाँ पे पूरा बनाने का यहाँ पे कुछ भाई R15M का भाई एग्जॉस्ट चेक कर रहे हैं थोड़ा सा वो खड़ी है इसका भी साउंड चेक करो ये जो खड़ी
नॉक डालना। चालू करना आप समझे नहीं। ड्रोन कहाँ है अभी आया ड्रोन ड्रोन का ड्रोन तुम्हारे बैग में चला तो रहा है वो निकाल दे पहले हम ही लोग आ गए यार और राइडर्स को भी रह गए पीछे, तो जो राइडर्स आने वाले उनके करते हैं अभी यहाँ पे वेट। हो भाई ये कैसे मिस हो सकती है, ये तो खून में बसी हुई है साले, पीछे से उठनी है। अब बाकी और कहाँ रह गए काम काम वाले बंदे, वो आ रहे हैं। सोम भाई कहाँ रह गए? सोम भाई आ रहे हैं यार, इतने पीछे कैसे रह गए तुम लोग? मैं तेरे समझे कहाँ गए वो के साले, हम कड़े कड़े इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा यार। है इंडिया गेट रुके थे। हाँ तो ये बोला तुम रुक रुक का आए हो। गाइस सभी राइडर्स आ गए हैं अभी सिग्नेचर ब्रिज पर, वो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ। कुछ राइडर्स ऐसे हैं जो अपने रूट से रूट बाय रूट अपने सीधे अपने घर निकल गए हैं, जो काफ़ी दूर के, तो जिनका बीच रास्ते में पड़ा था। और अभी क्या कि हमें यहाँ से और लगभग अभी 20 किलोमीटर और आगे जाना है। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन अभी यहाँ पे है, कौन कौन नहीं है। तो गाइस थोड़ा चेक कर लो भाई, टोटल अभी 6 राइडर्स हैं यहाँ पे, क्योंकि राइड हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, तो राइड अभी हम यहीं पे ही ख़त्म करते हैं अपनी। अभी क्या है कि इन लोगों की थोड़ी मीटिंग वीटिंग चल रही है अभी, तो बहुत बातें बातें कर रहे हैं। तो गाइस जैसा कि आपने ब्लॉग में देखा होगा कि आज की लोकेशन बहुत प्यारी थी, लेकिन क्या है कि बारिश ना पड़ने की वजह से वहाँ पर झरना वगैरह कुछ नहीं था, और इतनी ऑफरोडिंग थी कि वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा कीचड़ थी वहाँ पर, तो कीचड़ की वजह से हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि बाइक के अंदर जा ही नहीं पा रही थी, और वहाँ पर क्या है कि गिर रहे थे भाई। तो गाइस ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना,